Good morning, dear students. I am Shivam Saxena, your social science teacher. In the previous module, we have discussed about a few of the things of this specific chapter, that how the abolition of the monarchy has taken place in France. We will discuss about how the coalitions against the France has been spread. So, out of this things we have already covered, rest we are going to cover today. Convention drafted of Frenchmen into the army defeats the foreign coalitions. These troops were led to the General Caront. The people supports the military operations because they did not want the country back under the old regime. देखिए तो कन्वेंशन जो आपकी मैंने बताया था गवर्नमेंट बनी थी कन्वेंशन सबसे पहले मोनार्चिकल था उसके बाद आपका कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्च बना था देन आफ्टर कन्वेंशन बना था मैंने आपको बताया था व्हाट वाज कन्वेंशन इन द अर्ली वीडियो यू कैन गो थ्रू दैट ठीक है तो उसमें जो फ्रेंचमैन था देखिए कन्वेंशन ड्राफ्टेड अ फ्रेंचमैन इनटू द आर्मी टू डिफीट द फॉरेन कोलिएशंस जो फॉरेन कोलिएशंस थे उसको डिफीट करने के लिए कन्वेंशन ने एक ड्राफ्टमैन एक फ्रेंचमैन नाम की आर्मी बनाया एक फ्रेंचमैन नाम की एक पूरी आर्मी को क्रिएट किया दीज ट्रूप्स वर लेड टू द जनरल कारनोट जनरल कारनोट ये लेट करने यानी ये ट्रूप का मतलब ये होता है कि ये जो सैनिक थे ये जनरल कारनोट की तरफ गए द पीपल सपोर्ट्स द मिलिट्री ऑपरेशंस जो पीपल्स थे वहाँ के लोकल पीपल्स थे उन्होंने मिलिट्री ऑपरेशंस को सपोर्ट किया उसके पीछे रीज़न ये था बिकॉज दे डू नॉट वांट द ओल्ड रिजाइन कि उनको लग रहा था कि अगर वो मिलिट्री सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर से दोबारा जो पहला साम्राज्य था फिर से वो वापस आ जाएगा फॉर दैट सेक दे हैव चूजन दिस पर्टिकुलर थिंग्स ठीक है इसके अलावा देखिए रॉजेट दे लिसेल रोड्स मेजल्स मार्जलेस मार्जलेस इज वेल नोन एज अ नेशनल एंथम ऑफ फ्रांस इट वॉज बींग रिटन बाय रॉजेट दे लिसेल ठीक है बिकम्स अ फ्रेंच नेशनल एंथम देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगता है वॉट वॉज द फ्रेंच नेशनल एंथम एंड हु हैव रोड दिस तो ये इसका आंसर रहेगा इंस्पायर्ड द ट्रूप्स एज दे वर लेड टू द बैटल ठीक है और यही नेशनल एंथम उनको मोटिव करता था उनको मोटिवेट करता था फ्रेंच की ट्रूप्स को ताकि वो बैटल को जीत पाए आफ्टर टू ईयर्स कोलिएशंस दो साल के बाद क्या हुआ कोलिएशन वर डिफीटेड यानी जो भी आसपास के राजा हुआ करते थे उनको डिफीट किया गया फ्रांस हैज़ गेंड रेदर देन लॉस द टेरिटरीज तो जो फ्रांस की टेरिटरीज थी उसके आसपास के जो राजा थे उनकी टेरिटरी थी वो फ्रांस के साथ जुड़ गई और कोलिएशंस जो था कोलिएशन का मतलब यहाँ पे वहाँ का राजा है कि छोटी छोटी टेरिटरीज जो आसपास की थी जिनके राजा फ्रांस के ओल्ड रिजाइम के साथ या नई गवर्नमेंट के साथ जुड़ना नहीं चाहते थे ये उनके बीच की लड़ाई है तो जो फ्रांस को गेन हुआ यानी फ्रांस ने टू ईयर्स में इस पूरी वॉर को जीत लिया और इसके बाद जहाँ पर फ्रांस पहले लॉस कर रहा था अब उस ट्रिटी को टेरिटरी को फ्रांस में मिल गया अब देखिए इसके बाद सिचुएशन बिल्कुल ठीक हो गई फ्रांस इम्प्रूव कर रहा था फिर एक कंडीशन आई राइन ऑफ टेरर सितंबर 1793 से जुलाई 1794 तक का जो पीरियड है वो राइम ऑफ टेरर की सिचुएशन दिलाती है यानी पूरे फ्रांस में एक स्पेसिफिक टेरर स्प्रेड हो गया था एंड इट बिकम अ वेरी मच प्रॉब्लमेटिव टू द पीपल ऑफ द फ्रांस टू सर्वाइव इन अ एडेक्वेट्स वे ठीक है डिस्पाइट अ मिलिट्री सक्सेसस द कन्वेंशंस कंटिन्यू टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ डोमेस्टिकली देखिए डिस्पाइट अ मिलिट्री सक्सेशन मिलिट्री तो वहाँ उसकी सक्सेस हो रही थी अभी आपको बताया था उन्होंने ट्रूप बनाई थी और वो ट्रूप ने आसपास की टेरिटरीज को कब्जा भी कर लिया था जीत के लेकिन जो डोमेस्टिकली बहुत सी प्रॉब्लम यानी लोकल तरीके से बहुत सी प्रॉब्लम इस गवर्नमेंट को फेस करनी पड़ती थी डेंटोन एंड हिज जैकोबिन पॉलिटिकल पार्टी केम टू बी डोमिनेंट फ्रांस पॉलिटिक्स ठीक है एक डेंटोन और उसकी जो जैकोबिन क्लब्स था उसकी पॉलिटिकल पार्टी जो थी वो अब क्या सोच रही थी क्योंकि डोमेस्टिकली दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स तो व्हाट दे आर जनरली थिंकिंग दे जस्ट सिंपली जनरली थिंकिंग्स टू ओवरकेम और डोमिनेट्स द फ्रेंच पॉलिटीज ठीक है फिर उन्होंने क्या किया एक कमिटी बनाई कमिटी ऑफ द पब्लिक सेफ्टी हेडेड बाय डेंटोन लेटर देखिए जो ध्यान रखिएगा डेंटोन एक नया टर्म आपको लग रहा होगा लेकिन बाद में इसका नाम रॉबस्पाय हो गया था जो कि जैकोबिन क्लब का हेडेड था या एक हेड लीवल था दोज एक्यूज द टेजन्स वर ट्राइड बाय द कमिटीज रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स अप्रॉक्सीमेट देखिए ऐसे जो भी लोग थे जो इस पर्टिकुलर रेवोल्यूशनरी कम्युनिटी के अगेंस्ट जाते थे
उनको सीधे रेवोल्यूशनरी ट्रिब्यूनल्स मान लिया जाता था। लगभग 15,000 पीपल्स को केवल इस वजह से कि वो सपोर्ट नहीं करते हैं गुलेटिन भेज दिया गया। आई टोल्ड यू अबाउट व्हाट डज द मीन्स ऑफ गुलेटिन, एक टाइप की डिवाइस हुआ करती थी जिसमें आप पर्टिकुलर पर्सन के हेड को रखते थे और उसके बाद ऊपर से एक और सेम काइंड्स की डिवाइस को डाउन कर देते, इससे हेड टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाता था। तो देखिए अराउंड 15,000 पीपल वर डाई ऑन द गुलेटिन, दे वर सेंड टू द गुलेटिन। ठीक है, गुलेटिन बिकम्स नोन एज अ नेशनल रेजर, उसको नेशनल रेजर के नाम से भी जाने लगा। इट इंक्लूड्स द इनोवेटिव थिंकिंग लाइक ओल्म्स द गॉड्स एंड मेडमा जेनी रोलैंड्स। ठीक है, तो दिस वॉज ऑल। फिर कैसे वो राइम ऑफ टेरर एंड हुआ और उसके बाद कैसे नेपोलियन ने वहाँ पर डिक्टेटरशिप मेंटेन किया, दैट थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, तो एंड ऑफ द टेरर एंड नेक्स्ट थिंग्स दैट इज़ कि कैसे वो कंट्रोल किया गया, ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।